कब से ये इसका उद्घाटन होगा? आगे भी एक एंट्री है, ऐसे डायरेक्ट चल के जाने का भी एक्सेलेटर भी लगा हुआ है बाहरें, और बिहार म्यूजियम ऑफ वैक्स भी लिखा। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा अपडेट देने वाला हूँ अंबुजा सिटी सेंटर मॉल का। बहुत कुछ खास अपडेट होगा इसमें, तो स्किप मत करिएगा। और हम लोग अभी छज्जू बाग जा रहे हैं, तो छज्जू बाग का कौन सा एरिया है, तो अगर वो आप नहीं जानते हैं तो मेरा पुराना व्लॉग देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके लोकेशन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 2-3 व्लॉग बना चुका हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये देखिए, यहीं से दिख रहा है हम लोग का अंबुजा मॉल, देख लीजिए। ओ माय गॉड, ये क्या BMW, वाह, यहाँ पर कुछ नया भी आ चुका है। गेट का कुछ आधा बन भी चुका, कंप्लीट हो चुका, पहले तो नहीं बना था। और बिहार म्यूजियम ऑफ वैक्स भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो अब कुछ अपडेट होने लगा नया, अभी भी मेरे को लगता है काम चल रहा है। ओ माय गॉड, डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। और पेड़ वगैरह भी लगाया जा चुका है, ओरिजिनल आर्टिफिशियल नहीं है, डायरेक्ट बड़ा ही पेड़ लगाया गया है, क्योंकि इतना जल्दी ये बड़ा होगा नहीं। यहाँ पर तो पहले बस्ती था, सबको तोड़ के हटा दिया गया है। और BMW का देखिए, लगता है बाइक या कार का शोरूम रहेगा, और वैक्स म्यूजियम यहाँ होने वाला है, ये पहले नहीं था। तो ये कुछ नया अपडेट है, और मैं आपको बता दूंगा इस यहाँ पर आपको। तो एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ, यहाँ पर आयोनेक्स भी खुलने वाला है इस मॉल में। PVR नहीं होगा, आयोनेक्स होगा, और कहाँ होगा अभी तो ये पता नहीं, यहाँ पर होगा, इधर होगा कि अंदर ही होगा, बाहर तो नहीं होगा। दो गेट हैं, एंट्री एक इधर है और एक आगे है। डिज़ाइन देख लीजिए कितना खूबसूरत है, और ऊपर भी देखिए लगाया जा चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। अब कब तक कंप्लीट होगा पता नहीं। शाम को अगर आपको इसका व्यू देखना है तो मेरा आई बटन पर क्लिक करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं शाम पर यहाँ व्लॉग बना चुका हूँ। आगे भी एक एंट्री है, और स्टेयर वगैरह देखिए, यहाँ पर एक्सीलेटर है सामने से, आपको एक्सीलेटर है मतलब खुद ही सीढ़ी चल कर जाएगा, ऐसे डायरेक्ट चल के जाने का भी एक्सीलेटर भी लगा हुआ है बाहरें। तो वो जो छतरी है वो पानी से बचाएगा, एक्सीलेटर में तो सब बारिश होने लगेगा ना, तो वहीं पर छतरी लगा दिया गया, दिमाग लगाया गया है बनाने का। डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है भाई, क्या बोले। और आयनोस खुलने वाला है, ये सुनने के बाद तो बहुत ही मज़ा आ गया। पूछते हैं उद्घाटन कब होगा इसका, जाने तो नहीं मिलेगा, पूछ लेंगे कब से उद्घाटन होगा, कब से ये इसका उद्घाटन होगा, कब से खुलेगा। ये 15 तारीख, यही 15। अरे यार, ये तो 15 से खुल जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा 15 से खुल जाएगा, अभी नहीं। अच्छा, और लोग बोल रहे हैं उसी अनुसार से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी कोई निश्चित नहीं, निश्चित नहीं है। अच्छा ठीक, तो 15 तक तो बोल रहे हैं, बट फाइनल को डेट नहीं बोल रही है। देखिए और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, आयनोक्स भी है, दिखा देते हैं। बोर्ड लग चुका है, देख लीजिए, पहले तो बोर्ड नहीं लगा था। डिकैथलॉन भी, आयनोक्स भी है, और मैक्स भी रहेगा, बहुत कुछ यहाँ पर खोलने वाला। ब्रांड कंपनी का नाम भी दे दिया, देख लीजिए अच्छा से, पहले ये नहीं था। जो जो लोगों का नाम दिया सभी से ब्रांड होने वाला है। और डिकैथलॉन दिल्ली में है, तो पटना में पहली बार खुलने वाला है, वो भी सिटी सेंट्रल मॉल में अंबुजा का। तो बहुत ही मज़ा आने वाला भाई, भाई गाइज, मेरे को तो यकीन नहीं, और डिकैथलॉन भी पटना खुलने वाला, आयनोक्स भी होने वाला है, बहुत शानदार हो जाएगा जब ये बनकर रेडी होगा। तो इधर से भी इसका एंट्री है, और एक आगे से भी है। चलिए, तो अच्छा अपडेट मिल गया आज, तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया भाई सुनकर, ये देख कर। आयनोक्स होने वाला है, डिकैथलॉन भी यहाँ पर है, कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। 15 तारीख बोलने में तो काम चल रहा है, देखने से नहीं लग रहा 15 तारीख तक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा अपडेट आज मिल गया। चलिए, तब तो बहुत ही बड़ी बात हो गई गाइस, बहुत कुछ इसमें नया खुलने वाला, मज़ा आ गया भाई आज तो आयनोक्स के बारे में जानकर। शुरू में तो मेरे को पता चला था नहीं खुलने वाला है, पिछले अपडेट में मैंने बोला था कि पक्का नहीं है आयनोक्स यस खुलने वाला है, बट अब फाइनल हो गया। और डिकैथलॉन भी खुलने वाला है, जो कि दिल्ली में है। चलिए, तो मज़ा आ गया गाइस, अब क्या बोलूँ मैं। तो व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, और कुछ दिन भी जयपुर का व्लॉग आके मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, वहाँ का मज़ा लीजिएगा, जयपुर का पटना ही से देखिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो अगर ये व्लॉग को अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय, टेक केयर।